Dean of one of the hostel and academic council member of University of Delhi. ये तो professional intro था, लेकिन आप जैसे यहाँ पर आए हैं professional excellence के साथ, आपकी एक spiritual excellence भी है. आप regularly राजयोग meditation की practice करते हैं और बहुत scientific तरीके से spirituality masses के अंदर present करते हैं कि कैसे हम technically, logically, scientifically स्पिरिचुअलिटी को समझ सकें और कैसे उसको अपने जीवन में धारण कर सकें. और जैसे कि आज के सेशन का ही टॉपिक इतना सुंदर है, मैजिक ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, तो ये बहुत ही एम्पावरिंग सेशन है और बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन भी होगा. आपको बहुत नई नई बातें सुनने को मिलेंगी. आदरणीय डॉक्टर स्वपन गुप्ता. ओम शांति. गुड आफ्टरनून. सभी फाइन हैं? एवरीबडी इज चार्ज्ड अप? अभी इतना अच्छा इनॉग्रेशन में, इतना एनलाइटिंग और इतना एम्पावरिंग वो इनॉग्रेशन था. क्या ज़रूरत है ऐसी सेशंस की? है. ओके. हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं. यहाँ सभी मेडिकल डॉक्टर्स हैं? एवरीबडी उड़ीसा से. तो सबसे पहले तो आपको वेलकम है. ये लैंड ऑफ साधुज, सन्यासीज, गुरुज एंड लैंड ऑफ गॉड की. हाँ, आपने भी देख ही लिया कितना अच्छा वाइब्रेशन था यहाँ पर. जैसे सब बोल रहे थे, बता रहे थे, एक प्योरिटी थी उनके चेहरे पर, उनके वॉइस में एक पावर थी. हाँ, जो हम लोग शायद कहीं ना कहीं लूज़ कर चुके हैं. राइट. तो यही आज हम समझेंगे कि वो सेल्फ की पावर है क्या जो हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं. राइट. हम सभी डॉक्टर्स हैं, हम भी आप में से एक हैं, तो आप हमारे तो डबल कलीग हो गए. कैसे? एज ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स भी और एज डॉक्टर कलीग भी. राइट. तो हम आपके साथ, और ये छोटा ग्रुप है तो ये इंटरैक्टिव सेशन भी रहेगा, क्योंकि एक वर्कशॉप है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंटरैक्टिव हो, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो. राइट. तो आज का जो टॉपिक है वो है अभी मैजिक ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट. जब हम डॉक्टर्स की एक लाइफ को देखते हैं, हम सभी डॉक्टर्स हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पेशेंट्स. सही बात है. हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया पेशेंट्स की सर्विस के लिए, दे दिया ना अपना समय. हम अपने फैमिली को नहीं देखते, लेकिन पहले पेशेंट्स को देखते हैं. लेकिन क्या हम हर पेशेंट को ठीक कर पाते हैं? अभी हमने सुना डॉक्टर तो भगवान का रूप है, तो वो ठीक क्यों नहीं कर पाता है? क्या कारण है? कहाँ लैकिंग है? कहीं ना कहीं तो लैकिंग है ना. तो आज हम आपको कुछ ऐसे पेशेंट्स की स्टोरीज से शुरुआत करेंगे जिससे आपको समझेगा कि कैसे ब्रेन काम करता है और कैसे उस ब्रेन की पावर को हम अपने लिए और अपने मेडिकल प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. हर कोई एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहता है? हर कोई बनना चाहता है? हाँ. सक्सेसफुल डॉक्टर कौन है? जो पेशेंट को ठीक कर दे. अब ठीक करेगा तो पेशेंट उसके पास आएंगे, पेशेंट ज़्यादा आएंगे तो उसकी कमाई भी अच्छी होगी, तो सक्सेस मिलेगी. तो फेम, मनी, उसके लिए हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. तो हम आपको अपने कुछ पेशेंट शेयर करेंगे. आप देखिए, ये फर्स्ट पेशेंट, ये पैराप्लीजिया का पेशेंट था, न्यूरोलॉजिकल. 4 ईयर्स से इनको ये प्रॉब्लम थी, पैराप्लीजिया था, और वो ऐसा चलते थे, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो द अम्बिलिकस. डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत जगह दिखाया. हमारे पास ये रेफरल आया, हमारे जूनियर ने केस प्रेजेंट किया. ये पूरे मीटिंग में सबके सामने प्रेजेंट हुआ, जैसे एकेडमिक मीटिंग्स होती है ना मेडिकल कॉलेजेस में, तो मॉर्निंग में हम मीटिंग्स में प्रेजेंट हुआ. ऑल द कंसल्टेंट्स वर देयर. तो हमने कहा कि ठीक है, ये केस को हम अपने साइड लेंगे और इसको मैनेज करेंगे. सबका ओपिनियन था, इसका MRI हुआ था वो नॉर्मल थे, मल्टीपल MRIs,
तो एक ओपिनियन था कि MRI नेगेटिव माइलोपैथी है, पैराप्लीजिया है. तो हमने कहा कुछ डाउट है इसमें हमें, आई एम नॉट कन्विंस्ड. हमने उनको एडमिट किया और कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया जिसको अभी हमने PB नाम दिया है, ठीक है. एंड दिस इज हिज वीडियो आफ्टर 7 days, आफ्टर जस्ट 7 days. कैन यू बिलीव इट, 4 साल से पैराप्लीजिक पेशेंट, वॉकिंग ऑन हिज फुट. यही केस फिर हमने बाद में जब ऐसा हुआ हमने प्रेजेंट किया हमारी मीटिंग में, एंड आवर चीफ सेड बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर्स की सर्जरी करना ये उससे कम नहीं है. ब्रेन ट्यूमर की आप सर्जरी करते हो, अल्टीमेटली आउटकम इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट ठीक होना चाहिए. एक 4 साल से अपाहिज पेशेंट को आपने चला दिया, कैसे भी चलाया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चल गया वो, ये इम्पॉर्टेंट है. तो उन्होंने बहुत इसकी तारीफ की. दूसरी गर्ल, इसको हेमिफेशियल स्पैज़म था. आप देखिए राइट साइड का उसका जो फेस है, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा देंगे, वो थोड़ा जर्क करता था. आप देख रहे हैं आँख थोड़ी बंद हो रही है. बंद करो, जोर से बंद करो, अब आँखें खोल लो. तो वो खोल नहीं पाती थी अपनी आईज, 6 months से प्रॉब्लम थी. एक आँख बंद करो, एक खोल के रखो. 5 दिन अगेन वो ट्रीटमेंट दिया जिसको हमने नाम दिया PB, सीक्रेट ट्रीटमेंट है. क्या नाम है आपके, लिए साथ शेयर करेंगे, ठीक है. 5 दिन के बाद पूरी खुल रही है. क्या हुआ, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया. 6 महीने जो नहीं हुआ वो हो गया. अब पेशेंट हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा हम होंगे क्या सक्सेसफुल, नहीं होंगे, होंगे. जीभ दिखाओ. ओके, थर्ड पेशेंट, 2 साल से ट्रेमर्स हैंड में. लगाइए, शाबाश जी. ओके, 7 days ट्रीटमेंट. नहीं, कम ही हिल रहा है, जब खाना खा रही हूँ तब हिल रहा है, बहुत कम हिल रहा है. अच्छा, पहले से ठीक हो गए जी. यू कैन सी द मैजिक, द मैजिक. कल जब खाना खा, एंड ये मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक केस को देख के तो न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो सेड, उन्होंने कई मेडिसिन दिए, डिस्टोनिया, जॉ डिस्टोनिया, पैसिटेन दिया, बैक्लोफेन दिया, क्लोनासिपाम दिया, नो रिलीफ. वेरी एबनॉर्मल मूवमेंट, वेरी अनयूजुअल मूवमेंट, बट आवर PB ट्रीटमेंट डिड द मैजिक. 10 days यू कैन सी दैट मूवमेंट इज गॉन. I am a successful doctor. So, secret is all received PB. What is that PB? What is that PB? Power of Baba. Okay, very nice. देखो बाबा का रंग तो अभी से चढ़ गया. आप ब्रह्मा कुमारी जाते हैं? नहीं जाते हैं, लेकिन इतने छोटे सेशन में आपने बाबा नाम सीख लिया. Hats off to you. Clap for him, no? बहुत अच्छा. यस यू आर राइट इन अ वे, यस. लेकिन थोड़ा सा मेडिकली हम सब पावर ऑफ, ओके, एंड एवरीथिंग इज पावर ऑफ ब्रेन ओनली. नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर राइट नाउ. प्लेसिबो, यस, दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट, दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट. हमने उन सबको क्या दिया, 10 रुपए का MVI नॉर्मल साइन में डाल कर दिया. एंड वी टोल्ड देम, हम आपको बहुत महंगी दवाई दे रहे हैं, उससे आप अच्छे हो जाओगे. एंड डेली जब जब थोड़ा सा कहते थे उसको कि देखो आपका पाँव थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो उसको एक क्या दिया, एक बूस्ट दिया, मोटिवेशन दिया, साथ में उसको एक हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट दिया. आपको मालूम है जो फर्स्ट पेशेंट जो पैराप्लेजिक था, सब कुछ नॉर्मल था, प्रॉब्लम क्या था, ही हैड अ सीवियर लॉस ड्यूरिंग कोविड. कोविड के टाइम में उसको सीवियर फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो ही कुड नॉट सस्टेन हिज फैमिली, ही वॉज अ रिच फार्मर, लेकिन फार्मिंग बंद हो गया, क्या करें. तो उसने ये रोल एज्यूम, वी नो वी कॉल देम एज
साइकोजेनिक और nowadays we call them as functional disorders. We all know that. Yeah, psychosomatic. Right? हाँ तो ये प्रॉब्लम था सबको वही. लेकिन प्लेसीबो, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक देखें प्लेसीबो हम क्या कहते हैं, आप लोग ड्रग ट्रायल्स भी करते हैं राइट. आपने ड्रग दिया और एक शैम देते हैं जो एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है, टू निगेट द इफेक्ट ऑफ प्लेसीबो राइट. दैट इज प्लेसीबो. एवरीबडी, कोई यहाँ पे नॉन मेडिको तो नहीं है ना, एवरीबडी इज अ मेडिको, तो सबको समझ में आता है, फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा है. दिस इज वॉट माइंड ओवर मैटर इज. हम कहते हैं ना जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ, हम कहते तो बहुत आराम से हैं, कहते हैं ना सभी, अब भाई पेशेंट आईसीयू में ठीक नहीं हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, देखो हमने अपनी दवा कर दी, अब आप दुआ करो. हम बहुत कैजुअली बोलते हैं, ये हमारा एक एस्केप एटीट्यूड होता है, चलो किसी तरह, करेक्ट बात है ना. एक्चुअली में दुआ की बहुत वैल्यू होती है. कैसे? बिलीफ. पेशेंट यहाँ पर कैसे ठीक हुआ, उसको बिलीफ हो गया कि इतनी महंगी दवाई तो मैं ठीक हो जाऊँगा. इससे पहले वो कई डॉक्टर्स के पास जाता था, सबने डायग्नोस तो कर लिया कि ये साइकोजेनिक है या फंक्शनल है, लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में है ना, तुम ठीक नहीं हो सकते. नो, हमने उसको ये नहीं, हमने उसको होप दिया आप ठीक हो जाओगे, और डेली उसको अफर्म करते थे आप ठीक हो रहे हो. प्लेसीबो, इनएक्टिव और शैम. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्यूपंक्चर, इसमें दिखाया कि नीडल जब लगाते हैं एक्यूपंक्चर की तो उसका इफेक्ट आता है, बट एट द सेम टाइम दूसरे पेशेंट को पट्टी बांध के सिर्फ टूथपिक लगाया एंड इट वर्क्स, इट वर्क्स. दिस इज प्लेसीबो. बट माई क्वेश्चन टू दिस ऑगस्ट ऑडियंस इज, कोई इनएक्टिव कंपाउंड एक्टिव रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? बाय न्यूटन्स लॉ हम जानते हैं जो आप देते हो, जो एक्ट करते हो, उसी का ही रिएक्शन आता है राइट. इन एक्टिव कंपाउंड का एक्टिव रिजल्ट कैसे आ जाएगा, और वो भी इतना ड्रामेटिक राइट. कोई इनएक्टिव चीज है उससे आप एक्टिव कैसे प्रोड्यूस करोगे? अगर ऐसा होने लगा फिर तो बच्चे कहेंगे हम कुछ ना करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा. वी डू नथिंग एंड वी गेट ऑल थिंग्स आउट ऑफ नथिंग, ऐसा तो होता नहीं है, करेक्ट है. इसका मतलब देर इज समथिंग वी आर मिसिंग ऑन, एंड वॉट इज दैट? हम फिजिकल मेडिसिन को तो देखते हैं बट वी फॉरगेट अबाउट दीज इन्ग्रीडियंट्स विच वी कैन गिव अलॉन्ग विद आवर फिजिकल मेडिसिन, विच आर लव, जॉय, होप, पावर राइट. एक अच्छा डॉक्टर कौन है? दो डॉक्टर्स हैं आपके सामने, एक बहुत नॉलेजेबल डॉक्टर है, बस वो फटाफट लिखता है प्रिस्क्रिप्शन और एक ऑफिशियल लुक देकर आपको भेज देता है. दूसरा डॉक्टर एवरेज है, बट वो आपके पास, जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको ग्रीट करता है, वो एक स्माइल देता है, वो आपको अच्छे से बताता है, वो आपको होप देता है, नहीं आप अच्छे हो जाओगे. किसके पास जाना पसंद करोगे? वाई, ऐसा क्यों? क्यों? तो होप इसका मतलब काम करता है, तभी तो वो पसंद कर रहे हैं. और हम जानते हैं मरीज से हम क्या कहते हैं, देखो आप विश्वास के साथ लोगे तो आपके ऊपर ये अच्छा असर करेगा राइट. तो ये बड़ी चीज़ है. लेकिन हम इतने फिजिकल लेवल पर इतने, क्योंकि बिजी भी बहुत हैं, अब हम खुद की चेकिंग करें कितनी बारी हम पेशेंट को स्माइल के साथ मेडिसिन देते हैं, या सिर्फ फटाफट लिखा ये ले लो दवाई, और अगर उसने कुछ और इधर उधर कर दिया, लेट आया या फिर नहीं आया तो और डांट दिया उसको. ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड है, वो पेशेंट जो था वो डिप्रेशन में थे, उन सब के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज, ठीक है. अब और ही ज़्यादा डांट पड़ जाए तो क्या होगा, ठीक नहीं होगा. प्लेसीबो साइंटिफिक है, इट हैज़ बीन शोन कि इससे हमारे ब्रेन में एंडॉर्फिन्स, कॉलेसिस्टोकाइनेंस एंड अदर नॉन ओपियोइड
हॉर्मोन्स के लेवल्स बढ़ते हैं एंड इट हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट ऑन दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड अगर आप स्कैन देखेंगे, ये हमारे स्कैन से यू नो इट ब्रेन के, और इसमें ये जो दिखाया है ये फंक्शनल MRI है कि प्लेसिबो से ब्रेन में एक्टिव चेंजेस होते हैं। तो आज से हम सिर्फ फिजिकल मेडिसिन नहीं देंगे, प्लेसिबो मींस वी विल आल्सो गिव यस कॉन्फिडेंस, होप, लव, पावर। और फिर आप देखो पेशेंट तो ठीक होगा ही होगा, आप डबल सक्सेसफुल हो जाओगे। वी वॉन्ट दैट, कौन नहीं चाहता सक्सेस, आई वॉन्ट दैट। ओके, ये तो प्लेसिबो है, ऑपोजिट इज नोसिबो। व्हाट इज नोसिबो, एनीबडी? नोसिबो, यस, वी बिलीव इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। Slightly closer, but still correct. This is a negative perception. In that case, the first one, placebo, is positive perception. Oh, I am getting better. मैं ठीक हो जाऊंगा, right? Patient को क्या लगा? मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूँ, इतनी महंगी medicine है, मेरे को ठीक होना ही है, right? वो दिया किसने? लेकिन मैंने, डॉक्टर कौन है? वो देता ही तो है, आइदर फिजिकल मेडिसिन और मेंटल मेडिसिन। इसीलिए वहाँ पर अभी आपने सुना डबल डॉक्टर, तो हम सिंगल डॉक्टर नहीं बनेंगे, डबल डॉक्टर बनेंगे, तो डबल कमाई भी होगी, दो कमाई आएंगी, पैसा तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा? ब्लेसिंग्स आएंगी। और पता है आपको, कोविड के टाइम में पैसा उतना काम नहीं आया जितना, ये आपको पता है, वी ऑल नो दैट। तो नोसीबो समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो, ये बहुत अच्छा कार्टून हमें लगता है। ये एक मैन है, ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, ओके, और वहाँ पर एक बास्केट देखता है, वो बास्केट जैसे डॉग का फूड होता है ना, वो बास्केट देखता है एंड वो कहता है, ओ आई एम एलर्जिक टू डॉग हेयर, माई आईज टियर अप एंड माई फेस विल स्वेल, क्योंकि वो एलर्जिक है उससे। वो कहती है ओके, एंड उसको स्वेलिंग हो जाती है फेस में, राइट, बट सी वॉट दैट गर्ल सेज, आई डोंट हैव अ डॉग, आई हैव अ पिग इंस्टेंट, एंड हिज स्वेलिंग इज गॉन। सो व्हाट डू वी सी, वो परसेप्शन दैट यहां पर डॉग का हेयर होगा, दैट कैन कॉज physical manifestations, and that's what we call them as psychosomatic disorders. For example, you know hysteria, everybody know about hysteria, young females just becoming unconscious, mislabeled as epilepsy. This is 200-year-old picture, this is Jean Marie Charcot and this is Babinski. You know about Babinski, Babinski sign? Okay, so being a neurologist, I'm fond of this picture. Charcot was teacher of Babinski, okay? And he's demonstrating that females getting hysterical attacks. And you see this, 200 years later also we see cases like this now. These are not seizures, these are pseudo seizures. So have we really made progress? We have to ask ourselves, can you cure these with any of your physical medicines? Why? Because the etiology is not physical, it is psychic. And that's what some of you are physicians. How many of you are physicians? Anybody? Okay, gynecologist? Okay, radiologist? One. Okay. Nowadays, there is a trend, we see lots of patients who complains of stomach pain, bloating, indigestion, you do ultrasound abdomen, you do CT scan, you do endoscopy, everything is normal. And the patient says, doctor, tell me why I am having this problem. You say, kuch nahi hai, bas ye pantocid lo jao.
कहते सर ये तो बताओ मुझे दिक्कत क्या है, हम कहते हैं आपको क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिपेशन वाला प्रीडोमिनेंट होता है, डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है ना। सिमिलरली एक पेशेंट आता है हमारे पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आता है, सर मुझे चक्कर आते हैं, मेरा सर घूमता है। अब चक्कर ना तो दिखाई देते हैं ना घूमता हुआ दिखाई देता है, वो कह रहा है तो मानना पड़ेगा। वी डू सीटी एमआरआईज ईजी नॉर्मल। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा पेशेंट या फिजिशियन के पास, सर मुझे छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट साहब ने क्या किया, ईसीजी कर दिया, इको कर दिया, टीएमटी भी कर दिया, नॉर्मल आ गया। सर फिर पेन क्यों हो रहा है? हाँ राइट। ऐसे ही सब अलग अलग ऑर्गन्स के हमें मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो वी कॉल देम एज साइकोसोमैटिक। दैट मीन्स साइकिक कैन हैव इफेक्ट ऑन योर बॉडी, ये हमें पता है। बट हम इनके लिए कर क्या रहे हैं। अब साइकिक कहाँ होती है, वेयर इज द साइकिक? इन द हेड। दैट इज व्हाई ब्रेन इज द मास्टर। एवरीबडी एग्रीज। I am a neurologist, so I am a okay. No, I choose this field because brain is very intricate. You see, you have liver transplant, you have cardiac transplant, you have kidney transplant, you have lung transplant, you have cornea transplant, you have prosthetic limbs. Do you have brain transplant? No. It is the master. You cannot change the master. You can change the workers. And that's what this diagram shows. Brain is the master and all the organs are the players. We know it very well through the spinal cord. Nerves go to all parts of the body and the brain controls functioning of each part of the body. We know it. And that's why if there is a cardiac arrest, you still cannot call a patient brain dead. But if a patient is brain dead, then the patient is dead. So brain is very important. Agreed? So coming back to our patient, walking with a walker, the problem was where? In the brain, psychic. But why? Let me introduce to a very, very important concept now coming to the crux. Was that farmer not in his senses? क्या उसका दिमाग खराब था? वॉज ही साइकोटिक? नहीं। क्या वो मेंटल था, मैड था? क्या उसका ये रोल एज्यूम करने से पैराप्लीजिया का जो उसने रोल एज्यूम किया उससे उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या बढ़ जाएगा? तो उसने अपना ये ग्रे मैटर या ब्रेन क्यों नहीं यूज़ किया कि अगर मैं ये रोल एज्यूम करूँगा ऐसे तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ेगा, मैं तो बिल्कुल ही बेड में आ जाऊँगा, नाउ फैमिली तो और ट्रबल हो जाएगी। पहले फाइनेंसिस वैसे ही प्रॉब्लम है, एक बीमार और पड़ गया, ब्रेड अर्निंग मेंबर, तो अब तो इमोशनल इतना ज़्यादा हो जाएगा। बट फिर भी वो 4 साल तक ये लिंगर ऑन करता रहा, क्यों ऐसा? हमारे साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एस्केप करने के लिए, कभी अभी ऑफिस में नहीं जाने का मन है, हॉस्पिटल नहीं जाने का, तो ज़बरदस्ती पेट में दर्द हो जाता है, हाँ, या फिर हम एस्केप करते हैं इन वन फॉर्म और दी अदर। ऐसा क्यों करते हैं जबकि हम तो इतने इंटेलेक्चुअल हैं? फॉर दैट एनी मैटर एनी पर्सन, उसका सीक्रेट है ये। देखो ब्रेन काम कैसे करता है, हमें पता है ये ब्रेन है, राइट? ये फ्रंट है, ये बैक है, अप एंड डाउन, राइट? कट सेक्शन, दिस इज अमिग्डाला, राइट? अमिग्डाला विच इज दी सेंटर फॉर इमोशंस, एंड दिस इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेंटर फॉर लॉजिक और विजडम। सो यहां से तो हमें पता है कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, मेमोरी और इनसाइट, यहां से हम
चीज़ों को एनालाइज करना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जिनको कहते हैं, वो यहाँ से आता है। और इमोशंस से जो भी हम फील करते हैं, लव, हेट, एंगर, ग्रीड, ये सब यहाँ से आता है। यू नो व्हाट, डॉक्टर डिएगो, ही इज डॉक्टर डिएगो, ही वर्क्स एट हार्वर्ड, ही इज अ प्रोफेसर देयर। ही फाउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। व्हाट ही सॉ दैट व्हेन अमिगडाला इज नेगेटिव, when emotions are negative or when you are it's overactive amygdala, then it represses the prefrontal cortex, then it represses the prefrontal cortex, you can see there. Okay, so repression from amygdala causes underactivity in the prefrontal cortex. Have you heard love is blind? How many of you believe yes? Not all. Not all. No? अच्छा, एक बात बताइए, अभी मेरे आई लव समबडी, मुझे बहुत लाइकिंग है उसके लिए, मे बी माई जूनियर कलीग, मे बी माई स्टूडेंट, अभी उसने कुछ गलती किया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, हो जाता है, कवर कर देंगे। और अभी मेरा कलीग है जिससे मेरा थोड़ा सा कट है, अब उसने गलती किया, नो नो नो, ये हमेशा गलती करता है, ये तो है ही ऐसा, करेक्ट है, करेक्ट है, वो सही भी बोलेगा तो हम चुप हो जाएंगे, नहीं कुछ तो दाल में काला है, और जिससे प्यार होता है उससे उसकी दाल काली भी येलो दिखाई देती है, करेक्ट है ना? क्यों ऐसा? विजडम मीन्स लॉजिक प्रिंसेस, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, बट कौन उसको ओवर पावर कर रहा है? अमिगडाला। इसीलिए जब प्यार होता है ना, इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, क्योंकि अमिगडाला इतना ओवर एक्टिव होता है कि वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता। तो आप सब मानते हैं, अमिगडाला इज वेरी वेरी पावरफुल, इमोशंस ओवर पावर लॉजिक, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम सब बच्चे, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, आजकल बच्चों को समझाना आसान काम नहीं है, है आसान काम, हम उनको किन के पास लेकर जाते हैं? काउंसलर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, अगर वो कुछ ही एडिक्शन में चले गए हैं या कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, काउंसलर उनको समझाते हैं, वो उनकी बात थोड़ा बहुत सुनते हैं, ठीक है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने उनको जन्म दिया, शुरू से देखा, आपकी बात वो नहीं सुन रहे हैं, काउंसलर जो उनको एक दिन भी नहीं जानता है उसकी बात वो सुन लेते हैं, क्यों भाई? क्या वो कुछ अलग बता रहा है? अलग बता नहीं रहा है, अलग तरीके से बता रहा है। वो पहले उसके इमोशनल ब्रेन को स्टेबिलाइज करता है, उसको स्टेबल करता है, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यू आर ओके, रिलैक्स, दैट्स ओके। और हम क्या करते हैं, तुमने तो मेरा नाम डुबो दिया, तुम मेरे बच्चे हो के ऐसा काम करते हो, क्या करते हो तुम ये भी नहीं कर सकते हो, कौन कहेगा तुम इस घर के हो। इमोशनल माइंड उसका डाउन हो गया, डिप्रेस हो गया, अगर ये डिप्रेस हो गया तो ये लॉजिकल ब्रेन को भी डिप्रेस कर देगा, बच्चे को जो समझना होगा वो कहेगा मुझे समझना ही नहीं, आप जाओ। तो उस जो पर्सन था, ये पर्सन जो चल पड़ा, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, क्या उसको नहीं पता था कि अगर मैं ये रोल एज्यूम करूँगा भी तो मैं इससे ठीक नहीं होऊंगा? पता था, लेकिन क्योंकि इमोशनल माइंड उसका इतना नेगेटिव हो चुका था कि उसका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा था। इसीलिए जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम फटाफट फटाफट काम कर पाते हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हैप्पी रहते हैं या स्ट्रेस्ड रहते हैं? देखो, ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ ना, फिर हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा, सोचो। हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम, मानो एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम सॉल्व हो,
प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो सॉल्व होने के लिए हमारे लॉजिकल ब्रेन को तो ओवर एक्ट करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए इमोशनल माइंड को और ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? हम क्या करते हैं अपने साथ भी, दूसरों को तो छोड़ो, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपने लॉजिकल ब्रेन से बहुत ज़्यादा काम लेना है, लेकिन हम उसकी एक्टिविटी को खुद ही कम कर रहे हैं। कैसे? अपने को स्ट्रेस में डाल के, इमोशनल माइंड को नेगेटिव करके। क्लियर? तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? लॉजिकल माइंड तो ठीक से काम नहीं करेगा। तो हमें जाना नॉर्थ पोल की तरफ है, हम कदम किधर बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज से ये याद रखना, प्रॉब्लम बाहर की है, एग्रीड, अब हमारा काम है उसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए जो हमें पावर चाहिए, वो पावर मिलेगी कहाँ से? हमारे लॉजिकल ब्रेन से। और उसको पावर देने वाला है हमारा इमोशनल ब्रेन, और इसको कहते हैं द हैप्पीनेस इफेक्ट। हैप्पीनेस जब होती है तो जहाँ पर दिल होता है, मतलब खुशी होती है, वहाँ पर दिमाग ऑटोमेटिक खिंच जाता है। ओके? और दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा, मन मतलब ये द इमोशंस। तो आज से हम याद रखेंगे, प्रॉब्लम्स आए तो हमारी खुशी बढ़ जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए? करेक्ट। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे ना, मतलब इसको स्टेबल रखोगे, खुश नहीं कि हंसना है, हा हा नहीं करना है, खुश रहना मतलब स्टेबल रखोगे, यू आर काम डाउन, पीस, तो आप उसी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हमारा मकसद तो यही है ना। हमारा पेशेंट्स जब हम जाते हैं, हमारे इतने सारे काम होते हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, मकसद क्या है? वो अच्छे से कर पाएँ, चैलेंज को हम अच्छे से पूरा कर सकें। तो उसके लिए जितना हम स्टेबल रहेंगे, जितना हम रिलैक्स रहेंगे, उतना अच्छे से लॉजिकल ब्रेन भी काम करेगा। थॉट्स, अब हम बात कर रहे थे थॉट्स के ऊपर, कि थॉट्स हमारे ब्रेन पर कैसे और पूरी बॉडी पर कितना असर डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ थॉट्स हमारे खुद की बॉडी पर नहीं, नेचर पर भी असर डालते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के, उन्होंने एक स्टडी किया वाटर कॉन्शियसनेस के ऊपर, आपने कुछ लोगों ने सुना भी होगा इसके ऊपर। एनीबडी नो अबाउट दिस? इन्होंने क्या किया, ही टुक वाटर, एक ही वाटर को तीन सैंपल्स में डिवाइड किया, और उस वाटर को, एक को उसने थॉट्स दिए, वाइब्रेशंस दिए थैंक यू के, दूसरे को इविल के, बैड थॉट्स, आप अच्छे पानी नहीं हो, यू आर अ बैड वाटर, और एक को प्रेयर कि आप तो यू आर एलिक्सर टू एलिक्सर लाइफ एलिक्सर, आप बहुत अच्छे हो, प्रेयर, उसको प्रेयर किया। एंड आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उनका स्ट्रक्चर्स देखा, तो यू कैन सी जिसको थैंक यू का वाइब्रेशन दिया था हाउ ब्यूटिफुल, एंड ईविल का दिया था कैसा था, और प्रेयर का तो बिल्कुल जैसे टेम्पल होता है सिर्फ थॉट्स से। अमेजिंग स्टोरी ऑफ अमेजॉन जंगल, किसी को मालूम है? हाँ, नहीं, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। अमेजॉन जंगल साउथ अमेरिका में है, हाँ, वहाँ पर आदिवासी ट्राइबल्स हैं। वो पते क्या करते, जब उनको कोई पेड़ गिराना होता है, दे कलेक्ट अराउंड द ट्री एंड उसको बहुत अब्यूज़ करते हैं, जो भी जितनी भी अब्यूज़ आती हैं उनको, और एक महीने के बाद वो पेड़, वो ट्री खुद सूख के गिर जाता है, उनको कुछ हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। कैसे? वो थॉट्स। और इसीलिए हम कहते हैं दुआ और बद्दुआ, दुआ से बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो सकती है, और कहते हैं ना बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे हरे भरे खेत भी सूख जाते हैं। लेकिन क्या हमने अपने थॉट्स को, इसकी पावर को पहचाना है? हम कुछ भी करते हैं, अब आप लोग इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं, क्यों? प्रेजेंटेबल लगने के लिए। लेकिन आपको मालूम है थॉट्स भी आपके एक प्रेजेंटेशन है, थॉट्स भी एक प्रेजेंटेशन है,
कैसे? आपके पॉजिटिव थॉट्स आपकी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, नेचर को पॉजिटिव कर रहे हैं। बैड थॉट्स आपकी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, आसपास के नेचर इंक्लूडिंग आसपास के लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं। इसलिए देखो, कई बार हम किस लोगों के साथ बैठते हैं, हम कहते हैं इनके साथ बैठ के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और किसी के साथ बैठते हैं तो लगता है कि वाइब्स इनके अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति कुछ मुँह से अच्छा बोल भी रहा है, हम कहेंगे नहीं नहीं बाहर से अच्छा बोल रहा है लेकिन इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ है। होता है, वो कहाँ से पता चला आपको? आपने क्या उसके अंदर घुस के देखा है क्या? वो उसके जो वाइब्रेशंस, जो थॉट वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स आर एनर्जी विच आर स्प्रेडिंग आउटसाइड, और वो एनर्जी आपकी है, मेरी नहीं। आपके थॉट्स आपकी एनर्जी है, एंड आप उनको वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट वेस्ट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव करके बल्कि उनको नेगेटिव आउटकम दे रहे हो। इट्स लाइक किसी पेशेंट को दवाई की जगह क्या दे देना, जहर दे देना। करोगे ऐसा कभी? सोचो, गिव इट अ थॉट, समझ रहे हो? दे आर पॉइजन। नेगेटिव थॉट्स आर अ पॉइजन टू अस एंड टू पीपल अराउंड एंड द नेचर अराउंड। आपने सुना होगा शाहरुख खान की एक फेमस मूवी थी, उसमें वो कहता है कि जब पूरी कायनात आप शिद्दत से कुछ करो तो पूरी कायनात उसके लिए लग जाती है। वो क्या है? वो थॉट्स ही तो है। पूरा सोचो उसके बारे में, तो थॉट्स वो हमारी एनर्जी है। तो इससे हमने क्या सीखा? अब आप सोचेंगे भी तो सोच कर सोचेंगे कि क्या सोच रहा हूँ, करेक्ट? पहले सोच लो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, जब हम दवाई देते हैं हम पहले देखते हैं ना, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हिप्पोक्रेटिस ओथ लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डू नो हार्म, है ना, डू नो हार्म। तो आपको अगर सामने से कुछ भी हो रहा है, पेशेंट बीमार है, तो आप ये नहीं कहते कि अब तो तुम ऐसे अल्कोहल पी के आए हो, स्मोकिंग करके आए हो, मरने की हालत में हो, चलो मैं ना, अब तो तुम बिल्कुल ही मरने वाले हो, मैं तुम्हें और ही मार देता हूँ। ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसे ही अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जिसकी साइकिक ठीक नहीं है, वो बहुत गुस्सा करता है, वो काम ठीक से नहीं करता है, वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो बहुत सबको परेशान करता रहता है, वो बीमार है ना, मेंटली सिक है ना, हम कहते हैं ना, तो उसको हमें मेडिसिन देनी चाहिए गुड वाइब्रेशंस की, या उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस की पॉइजन देनी चाहिए? हाँ, पक्का देते क्या है? अरे वो तो कितना खराब है, कितना गुस्सा करता है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। ये सब क्या है? आप जो थॉट्स दे रहे हो ना उसको, और वो नेगेटिव कर रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए और आपके मन से पॉजिटिव ना भी निकले, क्यों? क्योंकि हमें हर्ट होता है ना, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हर्ट तो होता है। अगर पॉजिटिव ना भी निकले, लेकिन मेक श्योर पॉइजन तो मत दो, डू नो हार्म। तो भले कुछ मत सोचना, ठीक है, आई लीव हिम, कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैं पॉजिटिव नहीं दे सकता तो नेगेटिव भी नहीं दूंगा, करेक्ट है? अभी यहाँ पर तो पॉजिटिव पॉजिटिव बताएंगे आपको, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन अभी तो हम स्टार्टिंग में है ना, फर्स्ट फेज है ना। तो फर्स्ट फेज डू नो हार्म। अब हम जो सोचेंगे, नेगेटिव को तो बिल्कुल हमने थ्रो आउट ही कर देना है, फ्लश आउट कर देना है। आप अपने साथ बैठोगे, मन में उस पर्सन को इमर्ज करोगे, और वो नेगेटिव थॉट जैसे ही आए, उसके लिए फीलिंग आए, उसको पकड़ के या तो बॉनफायर में, क्योंकि अभी सर्दी है ना तो बॉनफायर अच्छी लगेगी, उसमें उसको डाल देना। आप देखना, जब आप उसके सामने जाओगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने बॉनफायर में डाल दिया। ये क्रिएटिव विजुलाइजेशन है, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करता है। थॉट्स एनर्जी, इसका मेजरमेंट भी है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा एग्जिस्ट, और ये देखा गया साइंटिफिकली, उसमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट इमोशंस, देयर ऑरा वॉज मैप्ड, यू कैन सी द कलर कोडिंग, एंड जहाँ जहाँ पे एरो लगे थे वहाँ वहाँ पर उनका जो नेगेटिव था
वहाँ पर उनका ऑरा कम होता गया. इट मींस अगर नेगेटिव है तो आपका ऑरा टू इन्फ्लुएंस पीपल वो कम होता जाता है. तो इट्स नॉट गुड फॉर अस नॉ इधर फॉर अदर. ओके ठीक है, सो फार सो गुड. अभी तक हमने क्या समझा? पहला, हम सिर्फ फिजिकल मेडिसिन के डॉक्टर नहीं बनेंगे, मेंटल मेडिसिन के डॉक्टर भी बनेंगे. उनको अपना पॉजिटिव भी स्माइल, होप, कॉन्फिडेंस वो सब देंगे उनको, अच्छी चीज़ें उनको मेंटली भी वाइब्रेशंस देंगे. कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम उसको अच्छा ही सोचेंगे अगर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं सोचेंगे. लेकिन कौन ये वायदा करके जाएगा इस समय, अभी कर सकता है कि मेरे मन में तो कोई नेगेटिव थॉट कभी आएगा ही नहीं? हाँ, नॉट पॉसिबल. देखो सही बात है, वेरी हैप्पी, ताली बजा दीजिए भाई. देखो सच बोलना गट्स चाहिए, ठीक है. कोई कर सकता है वायदा कि मेरे मन में कोई भी वेस्ट या नेगेटिव थॉट नहीं आएगा? नहीं. तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल दें, निकालें. चलो, हु इज द थिंकर? ये नेगेटिव थॉट क्रिएट करने वाला है कौन? खुद. अरे खुद तो इतना बड़ा है, आईज है, लेग्स है, कौन सोचता? कौन है? ब्रेन. मन सोचता है, मन सोचता है ना. ब्रेन में तो देखो विजडम भी है ना, विजडम गलत नहीं बोलती. मन, हमने देखा ना अमिग्डाला मन, और ये ब्रेन. यहाँ पर ब्रेन तो पूरा ही है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक सेंटर. मन सोचता है आम भाषा में, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन भाग रहा है, बहुत बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं. तो थिंक कौन करता है? ऑफ कोर्स माइंड, बट इट कैन नॉट थिंक विदाउट कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल, ये टेबल है, ये सोफा है, ये सीलिंग है, ये किसके बने हुए हैं? इसमें कुछ सीलिंग अगर देखें तो सॉइल है, इसमें वाटर भी मिलाया होगा मेसन ने, इसमें कुछ एयर भी मिक्स होगी, फायर से वो ब्रिक्स भी पकी हुई हैं, ठीक है, और ईथर का एलिमेंट, मतलब फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनसे हर चीज़ बनती है. हम भी किससे बने हुए हैं? ये बॉडी भी किसकी है? फाइव एलिमेंट्स की है. इसीलिए आफ्टर डेथ क्या होता है, उसमें मिल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कौन मिट्टी था, कौन ह्यूमन था. लेकिन इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? कॉन्शियसनेस का. कॉन्शियसनेस जो हम कहते हैं वी आर कॉन्शियस, ये लिविंग नॉन लिविंग है, हम लिविंग हैं. तो पहली चीज़ तो गॉड को हमें थैंक करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसने हमें सीलिंग नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया, सोफ़ा नहीं बनाया, तो हम ऐसे ही पड़े हुए होते, वेजिटेबल नहीं बनाया, हमें एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनाया. तो अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे? क्लैपिंग करने में कंजूसी नहीं, कंजूसी क्यों करते हैं? हाँ, और अपने आप को एक पैट भी करेंगे कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग. ये कोई छोटी बात नहीं है, नहीं तो वेजिटेबल की तरह पड़े होते इधर. भगवान की मर्जी थी, वो बना देता हमें वेजिटेबल, क्या कर लेते आप. लेकिन उसके अंदर उसने एक कॉन्शियसनेस डाल दी, तो वी थैंक हिम. और इसी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर स्पिरिचुअल भाषा में सोल बोल देते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती है. तो सोल, आत्मा, ये आत्मा परमात्मा मुझे नहीं समझ में आता है. अब नहीं कहना आप, सोल मतलब हमारी भाषा में सिंपल है कॉन्शियसनेस, ठीक है ना. ये जो कॉन्शियसनेस है ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम जाएंगे. ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, हमने देखा ना. मन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो सोचता है लेकिन वो फिजिकल नहीं है. लेकिन कॉन्शियसनेस क्या करती है, वो मन के थ्रू सोचती है, करने वाली कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस ना हो अगर, जैसे डेड बॉडी है, क्या वो सोच सकती है? क्या उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं? बॉडी तो है ही, है ना. तो सोचने वाला कौन है, बॉडी या कॉन्शियसनेस? उसको ब्रेन भी है, डेड बॉडी को ब्रेन भी होता है ना, लेकिन सोच नहीं सकता फिर भी. तो ब्रेन इसका मतलब सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन है जिसके थ्रू कॉन्शियसनेस काम करती है. तो हमने जाना
ब्रेन मास्टर ऑर्गन, लेकिन ब्रेन का भी मास्टर कौन हुआ? तो कॉन्शियसनेस ब्रेन के थ्रू काम करती है, या सोल कह दो, ठीक है। आई प्रेफर टर्म कॉन्शियसनेस बिकॉज वो मुझे मेडिकली अपील करता है, ठीक है। तो और वो माइंड के थ्रू थॉट करती है, क्रिएट। ब्रेन इज जस्ट द फिजिकल ऑर्गन। कॉन्शियसनेस कहाँ होगी? अब कोई पूछे कि आत्मा कहाँ है, सोल कहाँ है, तो ऑब्वियसली वो काम किसके थ्रू कर रही है? ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन में ही होगा, कंट्रोल रूम है, यहाँ है, तो कंट्रोलर कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा। इसीलिए आत्मा को यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर, कि आत्मा आपके यहाँ है। और इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर तिलक करते हैं या बिंदी लगाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि आपको याद रहे कि यहाँ एक कॉन्शियसनेस है, सोल है, राइट? अब थोड़ा सा आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, थोड़ा सोचिए, ठीक है। क्या हम सब के अंदर कॉन्शियसनेस, वो लिविंगनेस है, वो चैतन्यता जिसको हम कह सकते हैं, द लाइवलीनेस है, हम सब के अंदर सेम है वो कॉन्शियसनेस या अलग है? देखो, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा भाई। लाइवलीनेस तो सबके अंदर है ना, चैतन्य तो सभी है, प्लांट्स भी तो लाइवली हैं, एनिमल्स भी लाइवली हैं, कॉन्शियसनेस तो है ही ना, कॉन्शियस तो सबके अंदर है, तो वो सेम कॉन्शियसनेस है या अलग है? अच्छा, ऐसे तो मिक्स हो जाएगा। सेम वाले हैंड रेस करें, लंबा हाथ, ऐसे छोटा छोटा नहीं, 1 2 3 4 5। देखो, हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप है, जोशीले डॉक्टर्स हैं, और ये कोई बोरिंग प्रेजेंटेशन, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हम स्टॉप कर देंगे उसी समय, बता दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे साइंटिफिक सेशन से तो बहुत ही रिलैक्स्ड है ना, तो अपना चार्ज अप होके। और जो कौन कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सबकी अलग अलग होती है, ओके, ठीक है। देखो, इंडिया तो डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर तो बहुमत ही जीतेगा। तो कॉन्शियसनेस इज मोर देन जस्ट अवेयरनेस, यू आर राइट। कॉन्शियसनेस इज टू पार्ट्स, वन इज अराउजल सिस्टम, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। एक पर्सन हम कॉन्शियस कब कहेंगे? जब वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टू द एक्सटर्नल एजेंट, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे हम हैं, राइट। लेकिन दूसरा जो उसका कॉम्पोनेंट है वो है कंटेंट, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम कहते हैं वी आर हायर कॉन्शियस बींग, कहते हैं ना, वी आर हायर कॉन्शियसनेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा कंटेंट हायर है, और कंटेंट मीन्स द इंटेलेक्ट, थिंकिंग, जजमेंट, मेमोरी एंड द इम्प्रेशंस, इन अदर वर्ड्स द संस्कार्स। तो हमारे संस्कार्स, हम एक सिविलाइज्ड एनिमल हैं, तो हम हाइएस्ट हो गए। प्लांट्स बिल्कुल ही, वो बिकॉज एक ही जगह में रहते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो बिल्कुल लोअर हो गए। उनसे ऊपर एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स के सबसे ऊपर हो गया ह्यूमंस। अब लेकिन ह्यूमंस में भी अगर हम वैरायटी में देखें, ह्यूमंस में भी सबके संस्कार डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जिसके संस्कार बहुत हाईएस्ट होंगे वो हायर कॉन्शियसनेस हो गया, और जिसके संस्कार लोअर होंगे वो लोअर कॉन्शियस हो गया अमंग दी ह्यूमन बींग्स। तो संस्कार के बेसिस पर हम अपनी कॉन्शियसनेस की हायर या लोअर लेवल डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए एक फेमस कोट आज हमने पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, आप उसको लिख भी सकते हो, बहुत अच्छा था। व्हेन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. लेकिन आज आप देखो, हम लोग कितना character building पर ध्यान देते हैं, money पर ज़्यादा देते हैं, health को second number पर रखते हैं, और character को last में रखते हैं। कैसे? character में क्या आता है? Honesty, compassion, empathy, cooperation. हम क्या यूज़ करते हैं? जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, लस्ट, ग्रीड, ये सब क्या है? ये लोअर कॉन्शियसनेस है, ये कैरेक्टर की नेगेटिव चीज़ें हैं। अब आप ही ने बोला एवरीथिंग है, लेकिन रख रहे हो आप उसको बॉटम पे। तो हम डॉक्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है, क्यों? वी आर द एलीट क्लास, जो हम करेंगे और लोग फॉलो करेंगे, करेक्ट है? तो वी हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो इसलिए मनी को अब लास्ट में रखो, हेल्थ को सेकंड पर रखो, और फर्स्ट पे किसको रखेंगे? पक्का पक्का? अब मनी मिले और कैरेक्टर छोड़ना पड़े, तो छोड़ेंगे कैरेक्टर को? पक्का? मनी मिले, हेल्थ छोड़नी पड़े, छोड़ेंगे हेल्थ को? मनी छोड़ देंगे, लेकिन हेल्थ और फिर कैरेक्टर, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, इज कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन? मतलब कैन देयर बी कॉन्शियसनेस विदाउट द ब्रेन? मतलब ब्रेन डेड हो गया, कॉन्शियसनेस भी गई, इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब जैसे इंसान डेड हो जाता है तो कॉन्शियसनेस भी खत्म? ट्रू वाले हाथ खड़ा करो, लंबा हाथ। क्वेश्चन इज, पर्सन डेड हो गया तो उसके साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस भी खत्म? हाथ खड़ा करो जो कहते हैं खत्म हो जाती है कॉन्शियसनेस। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, हैंड्स डाउन। जो कहते हैं कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, थोड़े से ज्यादा हैं इस तरफ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब पर्सन डेड हो गया तो वो कहाँ, कॉन्शियसनेस तो खत्म हो गई ना? हाँ, यू बिलीव दैट? ग्रेट ग्रेट, आई एम हैप्पी। कॉन्शियसनेस डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेन फिजिकल पार्ट है, लेकिन जो उसके अंदर कॉन्शियसनेस थी ना, जिसके ब्रेन के थ्रू वो काम कर रही थी, वो वहाँ से हट के निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ऐसा होता है? हाँ, जो नहीं बिलीव, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। और जो बिलीव नहीं करते, हाथ खड़ा करो लंबा। ओके ओके, सो कांट से, ठीक है, लेट अस सी। लुक अबाउट चाइल्ड प्रोडिजी, द गूगल बॉय, उसके पास ऐसा पावर वो था, नॉलेज था इस एज में, उसको बहुत सारी चीजें पता थी इस छोटी सी एज में। दिस गर्ल अनान सेलेस्टे, शी वॉज अ जेम, शी वॉज अ लीजेंड इन फिजिक्स एंड अदर थिंग्स। कॉनराड टाओ, टू पियानो सेम टाइम विद मोजार्ट, स्मॉल बॉय। जैनेट, 11 ईयर ओल्ड, पास्ट 6 ईयर से शी वॉज अ डांसर विद द बिगेस्ट डांसर। मार्ला ओम्स्टेड, इन बच्चों में वो कहाँ से वो कैरेक्टर्स आ गए? उनके पेरेंट्स तो ऐसे नहीं थे। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब एक्सेप्शनल चाइल्ड, उनके अंदर जो ये आए सिंगिंग का, पियानो का, वो कहाँ से आया? अब बर्थ कोई लेके आया ना संस्कार, और संस्कार किस में थे? कॉन्शियसनेस में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वी नो पीपल डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गो टू द पास्ट। अब ब्रेन बॉडी पूरा चेंज हो गया, इट्स अ न्यू बॉडी, न्यू ब्रेन, लेकिन कॉन्शियसनेस समथिंग मस्ट हैव शिफ्टेड, जो पीछे को याद कर रहा है, ट्रांसफर हुआ है, राइट? थर्ड, पास्ट लाइफ मेमोरीज, यू नो एग्जाम्पल्स फॉर दिस, लाइक अ सेलर, ही शेयर्ड कि वो दिस स्मॉल बॉय इन प्रीवियस बर्थ ही वॉज अ सेलर। अब वो ही था, वो कौन? That is the consciousness. वो कौन? कहते ना मैं सेलर था, बॉडी तो चेंज हो गई, तो वो मैं कौन? That is the consciousness. इसीलिए हमारे हिंदू अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं आत्मा अजर अमर है, never dies off. Consciousness never dies off. Correct है, very nice. Clapping for him. तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर्स, संस्कार ट्रांसफर्स, दैट्स वाई एक ही हाउस में दो बच्चे हैं, दोनों को सेम अपब्रिंगिंग है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर ऑपोजिट होता है। वी नो इट,
कैसे? हम कहते हैं पूर्व जन्म. व्हाट इज पूर्व जन्म? वो कॉन्शियसनेस तो ट्रैवल कर रही है, इट इज टेकिंग इट्स संस्कार्स अलोंग. इसीलिए आपको पता है जब व्हेन सिकंदर वाज डेड ही सेड कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, पीपल शुड नो कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे. बट नो, दैट ही वॉज पार्शली राइट, नॉट कम्प्लीटली राइट. हम फिजिकल कुछ नहीं लेके जा सकते, बट वी कैरी टू थिंग्स फॉर श्योर. वॉट आर दीज टू थिंग्स? वन इज आवर संस्कार्स. तो जो हम संस्कार से यहाँ डेवलप करते हैं वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. एंड अदर थिंग्स आर आवर कार्मिक अकाउंट, वो भी जाता है. तो नेवर लूज ऑन दीज टू थिंग्स. तो अपने संस्कार्स को, अपने कार्मिक अकाउंट को A1 बनाओ, विच विल नॉट जस्ट पे इन दिस लाइफ, विल पे इन योर फ्यूचर लाइफ. यस. सो वॉट हैव वी लर्न सो फार? वी आर द कॉन्शियसनेस, द लिविंग एसेंस और द सोल एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड, थॉट्स वाया मीडिया ऑफ दिस फिजिकल बॉडी. सो दिस इज जस्ट अ मीडिया टू एक्सप्रेस आवर सेल्स. आवर मीन्स माई सेल्फ, मीन्स द सोल, द कॉन्शियसनेस. So I am the soul and it is transferable from one body to the other. It's time to really correct ourselves from this body conscious belief. Oh, I am this body. No, this body is just the media to manifest myself, and myself is the consciousness. This soul realization, why this is important? Why should I know this? I'll tell you a small story here. There was a man, he went to a saint on the outskirts of a city and he asked him, Guruji, I want to know about Atma, Paramatma, soul and the God. ठीक है, अब Guruji तो पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं बताऊँगा आपको लेकिन एक महीने बाद, इस एक महीने में आपको कुछ करना होगा. अच्छा चलिए क्या करना होगा? उन्होंने बोला कि आप घर जाइए and you just think or believe that you are not a human, you are a buffalo. क्या सोचना है? I am a buffalo. तो ठीक है, अब गुरुजी ने कहा है तो करना पड़ेगा. उसको समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है, बड़ा absurd सी बात है, इसमें आत्मा परमात्मा कहाँ से आ गया. तो he went home. अब next day जब वो उठा सुबह, office जाने के लिए ready होना था, तो उसको याद आया गुरुजी ने बोला है कि क्या सोचना है, I am a, और बफेलो आर लेजी एनिमल. तो उसने कहा छोड़ो ना, कौन जाएगा, मैं तो बफेलो हूँ आराम से. अब बफेलो हूँ तो बफेलो को क्या करना है, ही स्टार्टेड ईटिंग. अब बफेलो जब खाती है ना, आधा खाती है आधा गिराती है. ठीक है, आधा गिर रहा आधा खा रहा है, करेक्ट है. अब उसके बाद नहाने का टाइम आया, बिस्तर को समेटने का टाइम आया, बेडिंग करने का टाइम आया. बफेलो क्लीननेस में बिलीव नहीं करती, ठीक है, वो जहाँ पर गंदा होगा वहीं पर बैठ जाएगी. ठीक है छोड़ो ना, मैं तो बफेलो हूँ. वो सारे उसने अडॉप्ट कर लिए हैबिट्स, किसके, बफेलो के. नाउ वन मंथ पास्ट ऑफ, द मैन डिड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आया. अब गुरुजी के जो चेले थे उन्होंने कहा वो तो आया नहीं, उनके घर गए वो. नॉक किया, nobody opened the door. पड़ोसियों से पूछा, कहते हमने इस व्यक्ति को देखा नहीं काफ़ी दिनों से, क्या हुआ उस व्यक्ति को? मे बी ही इज डेड. दरवाज़ा तोड़ दिया, सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ बफेलो की तरह. ही वॉज, क्या कहते हैं उसको, जुगाली करना, रूमिनेशन, ही वॉज रूमिनेटिंग. तो सबको थोड़ा गुस्सा आया, अरे इतनी देर से हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आपने दरवाज़ा भी नहीं खोला, क्या है ये, हाँ, और यहाँ पे बैठ के मज़े से जुगाली कर रहे हो. कहते गुरुजी मैं कैसे बाहर आता, आई एम अ बफेलो और ये दरवाज़ा इज सो स्मॉल फॉर मी टू कम आउट. ही सेड सिंस आई एम अ बफेलो, आई एम अ बफेलो एंड दिस डोर इज सो स्मॉल टू कम आउट दैट आई कैनॉट कम आउट ऑफ दिस डोर. And that's why he did not come out of his house for so long. उसने अपने आपको इतना assume कर लिया था उस role में, buffalo के role में,
कि सारे एक्टिविटीज़ वो वही करने लगा और वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा था. करेक्ट है. नाउ द प्रॉब्लम इज़, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या इट्स ओके इफ़ ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ बफेलो? क्यों, समझ लो ना, अच्छी बात है ना. लेजी रहो, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं है अपना, सब ठीक है. नहीं, उसके वाइफ ने उसको छोड़ दिया बिकॉज जो ऐसा करेगा कौन रुकेगा. करेक्ट है. ही इज एक्सपेक्टेड टू गो आउट एंड वर्क, वो नहीं कर रहा था तो ही इज नॉट प्रोडक्टिव. तो रोल रिवर्सल हो गया ना. सेम थिंग, जब हमने अपने आप को समझा कि हम एक बॉडी हैं और एक सोल नहीं है, ध्यान से सुना, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, मनी, बॉडी कंफर्ट्स, उनको हमने बहुत प्रायोरिटी दिया. वो ही सब कुछ समझा कि यही सब कुछ है, दिस इज माय लाइफ. बट व्हेन वी कम टू दिस कॉन्शियसनेस दैट वी आर अ सोल एंड नॉट द बॉडी एंड दिस बॉडी इज जस्ट अ मीडियम, तो फिर वी कम टू आवर हायर इम्प्रेशंस. वी गिव कॉग्निजेंस एंड प्रायोरिटी टू दीज वैल्यूज विच बिलोंग टू द सोल. तो जब हमारा आइडेंटिटी रिवर्सल हो गया है, हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमें बताया ही बचपन से ये गया कि ये तो देखो शरीर बॉडी, यही तो हो आप, यही तो हो, तो इसको क्या चाहिए, इसको जो कंफर्ट चाहिए था तो हमने क्या किया, इसको कंफर्ट मिलना चाहिए. लोग क्या कर रहे हैं आज, ये ठीक चलना चाहिए, चाहे हम गुस्सा करें, चाहे हम किसी भी तरीके से चीटिंग करें, वो ही मटेरियल है. हमें बस मनी अर्न करना है, चाहे किसी भी तरीके से आए, चाहे हम परेशान होके कमाएं, चाहे हम कैसे भी कमाएं, क्योंकि बॉडी के लिए चाहिए ना मनी, सोल को नहीं चाहिए मनी. सोल को क्या चाहिए, ये क्वालिटीज़. और आप देखो एक्चुअली में क्या कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको लव नहीं चाहिए, क्या कोई है ऐसा जिसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, किसी को पीस नहीं चाहिए, कोई है ऐसा आप में से? चाहिए ना. क्यों चाहिए? बिकॉज अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे भी, लेकिन समझने से हम बॉडी बन नहीं जाएंगे. ओरिजिनली हम कौन है, कॉन्शियसनेस या सोल, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए. लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को बॉडी समझा तो हम एक डिलेमा में पड़ गए. हम ले रहे थे, सोचा कि बॉडी को तो ये चाहिए था, मकान चाहिए था, अच्छा बड़ी गाड़ी चाहिए थी, कंफर्ट चाहिए थे, तो बॉडी को चाहिए था हमने दे भी दिया, फिर क्यों हम पीसफुल नहीं हैं, क्यों हैप्पी नहीं हैं, क्यों अंदर से एक कमी लगती है, एक वॉइड लगता है, क्यों स्ट्रेस होता है, क्यों रात को नींद नहीं आती है, क्यों एंग्जाइटी होती है? बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही हमने रॉन्ग किया हुआ था. अब जब हम समझ लेते हैं कि हम एक सोल हैं, तो हम अब बॉडी के चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंस किसको देंगे, जो सोल की मेन रिक्वायरमेंट है. और सोल की मेन रिक्वायरमेंट, उसके ये 7 क्वालिटीज़ हैं जो आप आगे लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे. सो द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज द सोल माइंड बॉडी इंटरफेस. So if you want to understand the connection between the soul or the consciousness, the mind and the brain, it is very simple. The soul is the unmanifest core. Unmanifest core means it cannot be seen by these naked eyes. It's not manifest. Okay? It's the unmanifest core which has impressions, the sanskars. So these are the sanskars. And it manifests itself through the faculty of mind. So the mind converts these sanskars into thoughts. So जो आपका संस्कार है उसके हिसाब से ही आप thoughts, आपका मन thoughts क्रिएट करता है. For example, अगर आपका संस्कार एक पीस का है तो चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, आपको thoughts कैसे आएंगे, पीसफुल thoughts ही होंगे. करेक्ट है ना. अगर मेरे अंदर
फॉर एग्जाम्पल आई शेयर यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. अ बॉय कन्फेस्ड, ही सेड व्हेन ही गोज टू द टेम्पल ही फील्स मीन्स bad about the deities there, means he creates bad images about the deities. Why? Because his mind is polluted. क्योंकि उसके संस्कार वैसे हैं. नहीं तो किसको deities को देखकर bad feelings आती हैं? तो bad thoughts कहाँ से आ रहे हैं? Mind bad thoughts नहीं create कर रहा है, create कर रहा है, लेकिन उसका भी basis क्या है? The संस्कार्स. अगर मेरा वो संस्कार है ही नहीं, गुस्सा करने का मेरा संस्कार है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी कुछ मुझे इंसल्ट करे, कुछ भी बोले, क्या मैं गुस्सा करूंगा? एक रेडियोलॉजिस्ट सर बैठे हुए हैं, वो सामने ब्रेन में पिट्यूटरी में एक एडिनोमा है, ठीक है, वो देखते ही बता देंगे इसमें एडिनोमा है. क्या गायनेकोलॉजिस्ट बता सकते हैं? वो बड़ा सा मैक्रो एडिनोमा भी होगा फिर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उनकी मेमोरी में वो चीज़ है ही नहीं. करेक्ट. तो जो हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए मन की गलती. यहां पर बता रहे थे ना, वो दीदी बोल रहे थे आपको, मन को दोष मत देना. हम अपने मन को ही दोष देते रहते हैं. नो, गलती किसकी है? संस्कारों की गलती है. और संस्कार कहां से बनते हैं? संस्कार बनते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं. वो जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे माइंड में इम्प्रेशन बना रहा है, इम्प्रेशंस बना रहा है. कहते हैं ना, इम्प्रेशन बन रहा है आपके माइंड में. वो इम्प्रेशंस फिर उसके बेसिस पर ही हमारा माइंड थॉट्स क्रिएट करता है. तो एक्चुअली में माइंड तो वो बच्चा है, वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपने उसको रॉ मटेरियल ही ख़राब दिया है. नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट, अब अगर आपके अपने मन को कंट्रोल में रखना है तो आपके अपने संस्कारों को ठीक करना होगा. संस्कारों को ठीक करना है तो उसके लिए भी उसका जो रॉ मटेरियल है वो है जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो थ्रू द सेंसेस ऑफ आईज, माउथ, हियरिंग. तो आप अच्छा ही सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो. जितना अच्छा करोगे, कंटेंट आपके पास ऑप्शन है. मेरे पास यहाँ पर हेल्दी फूड भी है, जंक फूड भी है, चॉइस मेरी है. मैं ये नहीं कह सकता कि ज़बरदस्ती मुझे जंक फूड दिया गया है, रखा गया है, बट उसको लेना ही नहीं लेना. तो मेरे व्हाट्सएप में, मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सामने गॉसिप में, टीवी में, जो कंटेंट मैं देखूंगा उसके हिसाब से मेरा इंप्रेशन बनेगा. अगर मैं वायलेंस कंटेंट देखूंगा तो मेरा इंप्रेशन वायलेंस का बनेगा. अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट देखूंगा जो अभी जो डेली सोप्स हैं उसमें क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट्स दिखाते हैं, सस्पिशियसनेस दिखाते हैं, यही दिखाते हैं ना, शक करना, हाँ, रिलेशनशिप्स में वो नहीं 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 करना, उससे क्या है, फियर, एंग्जाइटी, ये सब तो दिखाते हैं. हम उनको देख के एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट में हम वो संस्कार अपना बना रहे हैं. और जब वो संस्कार बनाते हैं तो हमारा ब्रेन के, माइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वैसे ही थॉट्स क्रिएट करेगा. छोटा सा एग्जांपल, रात को हम एक हॉरर मूवी देखकर सोए, हमें बहुत मज़ा आया, हमने हॉरर मूवी देखी, और रात को सोओगे, साइड में एक छोटा सा रस्सी जैसा कुछ होगा ना, वो क्या लगेगा? क्यों क्यों? क्योंकि हमने फीडिंग वहाँ पर हॉरर की कर ली. अब माइंड वहाँ जाएगा, उसको थॉट क्रिएट करना है, तो वो हॉरर का संस्कार उठा के वो क्रिएट कर लेगा. और अगर आप एक मेडिटेटिव मूवी देखकर सोए हो, मेडिटेशन करके सोए हो, तो क्या वो रस्सी आपको सांप लगेगा? मन तो वही है, वही है ना मन, मन तो चेंज नहीं हुआ, हमने क्या भरा वो चेंज कर लिया. इसलिए अपने से सब प्रॉमिस करेंगे, हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम जितना हो सकेगा पॉजिटिव ही सुनेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे. कोई नेगेटिव करेगा तो उसको बता देंगे कि देखो ये आपको भी पॉल्यूट कर रहा है, मेरे माइंड को भी पॉल्यूट कर रहा है, और ये फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बनती है, और बाद में हमें ही परेशान करता है, हमें ही इंसोम्निया होता है, हमें ही एंग्जाइटी होती है, हमें ही पैनिक्स होते हैं. राइट? ओके, सो इफ वी मेक आवर सोल पावरफुल, ओके, अल्टीमेटली सोल मीन्स इंप्रेशंस, इंप्रेशंस गुड, तो माइंड भी कंट्रोल में रहेगा और हमारे
जो पूरा ब्रेन है वो भी अच्छे से काम करेगा, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और हम हीलिंग रियल सेंस में कर पाएंगे और फिर हम डबल ट्रू हीलर्स बन पाएंगे। केवल केमिकल्स से हीलिंग नहीं करेंगे, अपने माइंड के पावर से भी हीलिंग करेंगे, अपनी भी और सबकी। एंड दैट इज सेल्फ एम्पावरमेंट मैजिक। फाइनली आप देखिए, ही इज रेने डेस्कार्टे हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी, ही वॉज अ वेस्टर्न साइंटिस्ट एंड वॉट ही सेड यू विल बी अमेज्ड टू सी। 16th सेंचुरी वेस्टर्न साइंटिस्ट, ऑन द वन हैंड आई हैव अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया ऑफ माई सेल्फ गिवन दैट आई एम ओनली अ थिंकिंग थिंग एंड नॉट एन एक्सटेंसिव वन। मैं एक सोचने की एक शक्ति हूँ और ये जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है एक्सटेंसिव वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड आई हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ द बॉडी गिवन दैट इट इज़ ओनली एन एक्सटेंसिव थिंग एंड नॉट ए थिंकिंग वन। दस इट इज़ ट्रू दैट आई दैट इज माई सोल। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, नॉट माई सोल, आई द सोल थ्रू विच आई एम वॉट आई एम। जो मैं हूँ वो इसकी वजह से हूँ, क्योंकि इंप्रेशन सारे सोल में हैं, कॉन्शियसनेस में है। इज एंटायरली एंड ट्रूली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड इट कैन और एग्जिस्ट विदाउट इट। सो वी मस्ट डिसोशिएट कॉन्शियसनेस from its media, that is the body. These are two different entities. These are two different entities. We should not confuse them. And it's like, जो हमने क्लोथ्स पहने हैं, if I think I am this cloth, तो अब क्लॉथ अगर ये इसको कुछ होगा तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा obviously, लेकिन मुझे पता है क्लॉथ है, that's okay. लेकिन उतना पेन नहीं होगा जितना मुझे खुद को चोट लगेगा। तो जब मुझे ये समझ में आएगा आई एम अ सोल एंड नॉट दिस बॉडी, तो बॉडी के साथ जो कुछ भी होगा वो मुझे उतना पेन नहीं देगा जितना अभी मुझे मिल रहा है जब मैंने समझा कि मैं ये बॉडी हूँ। एंड चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर। योगीज और सेंट्स कोई, दे आर बिग पीपल बिकॉज माइंडसेट बिग है, उनको पता है। तो वो जो बॉडी के चैलेंजेस आते हैं ना, वो उन चैलेंजेस से, क्योंकि उनको पता है वो सोल हैं, वो बॉडी नहीं है, तो दे टेक इट कि बॉडी तो एक क्लॉथ है, क्लॉथ है तो ठीक है, दैट्स ओके, हो गया तो हो गया, राइट। सो यू आर ए सोल एम्पावर्ड विद गॉडली इंप्रेशंस। व्हाई गॉडली इंप्रेशंस? अब संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अच्छे संस्कारों को हम बोलते हैं गॉडली इंप्रेशंस, ठीक है, दिव्य संस्कार। दिव्य संस्कार होंगे तो यू विल लिव लाइक अ केयर फ्री एम्परर, बेफिक्र रहेंगे एंड लाइक अ किंग यू विल लिव योर लाइफ। और अगर हमारे संस्कार खराब होंगे, सो शैल यू शो सो शैल यू रीप, खराब करेंगे तो खराब फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो हमारे साथ हो रहा है खराब, that is the result of something we have done wrong, जाने अनजाने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अनजाने में गलती कर दी तो उसका पेनल्टी नहीं लगेगा। आप ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर दो और बोलो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था ट्रैफिक सिग्नल है, तो क्या पेनल्टी नहीं लगेगा? पेनल्टी तो लगेगा ही। तो why not become wiser and understand the godly impressions and use them to our benefit and become carefree, self-empowered. Isn't it magical? Yes? Om Shanti. So we'll take now questions one by one. Okay, I think first of all this gentleman raised his hand and then madam, and third question yours. Okay, please. Can you help us with the overthinking or the thought process? How will I avoid ourselves? ओके, यस यू आर राइट। इट्स लाइक एक कहावत है हिंदी में, काजल की कोठरी में तो दाग लगेगा ही लगेगा। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, राइट, करेक्ट है। अभी आप माउंट आबू में हैं और आप ओडिशा में, ओडिशा में कौन से सिटी से हैं आप?
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो बहुत बिजी प्लेस है, आई हैव बीन टू, बहुत वहाँ पर पोल्यूशन भी है, राइट? और गर्मियों में अगर आप बाहर निकल जाओ, इतनी गर्मी होती है, आई हैव टू बेद हाउ मेनी टाइम्स, समटाइम्स 2 to 3 times आपको नहाना पड़ता है। और यहाँ पर माउंट आबू में अभी विंटर्स का टाइम है, अगर आप 2 दिन भी नहीं नहाओ तो चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी एक है, बाहर की नेगेटिविटी जो पोल्यूशन है, हमें उसको रिमूव करने के लिए जितना ज़्यादा पोल्यूशन था 2-3 बार नहाना पड़ा। पोल्यूशन नहीं है तो काम चलेगा, यू आर राइट। अगर ऐसा वर्ल्ड होता जहाँ पर बाहर नेगेटिविटी, एक तो वो पोल्यूशन दिख रहा है, लेकिन जो आपने कहा बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो पोल्यूशन सब तरफ है, क्योंकि सभी के वाइब्रेशंस ऐसे हैं, है ना? वो हमें इन आँखों से नहीं दिखता है लेकिन हमें महसूस होता है, राइट? तो हमें कितने बार नहाना पड़ेगा? तो जैसे आप आउटर बॉडी को क्लीन करते हो, राइट? तो जो इनर बॉडी है, जो सोल है, जिसके ऊपर किसका पोल्यूशन लग गया, नेगेटिव थिंकिंग का, उसको भी आपको डेली, इनफैक्ट डेली हाउ मेनी टाइम्स, 2 times क्लीन करना होगा। और क्लेंजिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरी गुड, आप सब लोग तो होशियार हैं मैम, दे ऑल नो इट। हाउ मेनी ऑफ यू डू मेडिटेशन? आप इसमें कम क्यों हैं? राइट। हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय मेडिटेशन? हाउ मेनी ऑफ यू नो द करेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन? वी आर नॉट श्योर, एक्सेप्ट हु आर ब्रह्मा कुमारीज, एक्सेप्ट हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग ब्रह्मा कुमार। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दिस ओनली, ओके? इनर बॉडी क्लेंजिंग, हाउ टू डू मेडिटेशन एंड वॉट इज द साइंटिफिक रैशनल बिहाइंड मेडिटेशन। सी, अभी आपको सीधा बोलते हैं आत्मा होती है, हाँ परमात्मा होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। फिर घर गए, अपने ऑफिस में गए, ये सब आत्मा परमात्मा उन्हीं लोगों के लिए है, हम तो डॉक्टर्स हैं, हमारा काम तो बस ठीक करना है। बट नाउ आफ्टर दिस लेक्चर, डू यू एग्री सोल एग्जिस्ट? डू यू एग्री यू आर ए सोल? हाँ पक्का, द जॉब इज डन। ओके, टोटल टोटल नंबर यू मीन टू से? ओके, सो कॉन्शियसनेस, ओके, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? एवरी बडी हैज अ सोल, सो बाय दैट वर्च्यू द नंबर ऑफ सोल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यू गॉट योर आंसर। यस, ओके, सो ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो ओके, वंस अ डे मीन्स इन दिल्ली देर इज अ एरिया कॉल्ड जामा मस्जिद, ओके? जामा मस्जिद आई वेंट देयर फॉर सम वर्क एंड आई सॉ देयर वाज अ स्मॉल हाउस, ओके, जस्ट वन रूम, मे बी 10 by 10 feet, हाँ स्मॉल रूम, एंड आई सॉ 4 persons कमिंग आउट। आई सेड ओके, ओके, देन आई सॉ अनदर 4 persons कमिंग आउट ऑफ दैट रूम, नोबडी एंट्रिंग मोर कमिंग आउट। आई सेड ओके, 8 persons, आई सॉ 4 more कमिंग आउट, 4 more कमिंग आउट, लाइक दैट 50 persons केम आउट ऑफ दैट रूम, 50 people। देन I asked the people around there, they said, no, this is area dominated by one of the sects and they have this thing, many people live there, okay? So what I am seeing, say for example, if there is a storehouse where there are souls or consciousness staying and they come one by one, they come one by one, so 100 years back, 4 persons have come, sometime later, some more 4 souls have come, sometime later more souls have come on this earth. That means storage house is there. Yes, which you will learn. Interesting? There is a storage house of the souls.
Where? You want to learn everything in one lecture? You will learn. Surely, no? Yes. Third question from this side. Anyone else? You had a question? All clear? Ah, sir. And who we are part of the God or whatever we think. So, we are not useless. We are not useless, no? Yes. Nothing is useless. In fact, this is not useless. If we compare 100 years from now, are we moving in the right path? Again, I'm happy for two reasons. One, it means your questions show that you have real interest into the science of spirituality. Okay? All these questions will be answered, that are we really heading towards the right path? For that, we first must know what is the right path. Okay? If I know, okay, this is the right path, then I can ask myself, am I really walking on the right path? And that's why you people are here, to understand both things. One, how to deal better in your personal and professional life. And yes, how to prepare for your future life, which your question very aptly is. You will learn all these things in due course. Okay? So let's not, if I tell everything now only, then other lectures. Can I add something? Please. I want to add one small thing, that in MBBS, first time we are in first year, then second year, final prof, then internship, right? So this was first year MBBS session. You are asking questions of internship, right? But that shows their interest. And you are highly curious, very intelligent, yes. Very intelligent, right? But we have a session in the evening, specially designed for the questions you are asking right now. And those two sessions, Rajyoga session 1 and 2, in those sessions you are going to get all the answers. And we have one more session by Dr. Swapan in the evening. And I think that will also come. I agree. Better to restrict questions which we have just learned. Anything which is not clear about this session. During this session, we have discussed whether consciousness is same or it is different. Mm-hmm. Okay, so consciousness has two parts, which we saw. That's the part. Whether the consciousness of mind, is different from his or it is same. So, consciousness includes two things. Consciousness includes two things. One is the liveliness. This is not conscious because it does not have that conscious part in it. Okay, but when we compare two live objects, say for example, an animal, a dog and a human. Okay, both are conscious, but their consciousness is different. Why? A dog has lower consciousness in terms of its content. The impressions, the intellect, the memory part is lower as compared to a human being. In that sense, his consciousness is different from that of a human. And then when we compare humans, because everybody have different sanskars, different impressions, different memory patterns, their consciousness levels always also varies. And that's why we say humans are higher conscious beings. It's the level of expression of the consciousness difference. Yes, so both. In a way, if you just want to say the liveliness, it is the same, but consciousness has inherent, yes, it is its inherent ability, yes, its inherent quality, because it's quality. Say for example, okay, you see a cloth can be a local made, it can be Raymond's, it can be CRM's, right? A cloth is a cloth. By that way, you can say everything, every cloth is a cloth. But inherently, if you touch the texture, isn't that different? A locally made cloth, that's what I'm saying, is a local made cloth, CRM's, Raymond's and a finer brand. All consciousness are coming from the one source, that is the Paramatma. Then how that will be? Yeah.
again an internship question. but yes, there are two ways to answer this question. One is the single liner, what we will give right now, and one is a detailed answer. So I just want to give a single line answer, but not detailed. Single line answer is that originally, the blueprint, the original design of the consciousness is similar between me, you, him, everyone. The original design. But yes, why the expression is different, that needs a detailed answer. That will be covered in the chapter 1 of Raja Yoga. Okay, see, consciousness is, you see, the first basic principle, it has to be an arousable system. Water is not, water is what you are giving the power. It is absorbing that power. It does not make his consciousness. See. If it is changing with our thoughts, a negative, a non-living thing cannot change. Say, for example, once you take about a human body, when we are living, okay, our body is sustainable, right? Self-sustainable, correct? Once it is dead, it decays very fast. The body is the same. Why does it decay so fast? We have been living for so many years. Yes. So consciousness, it should be self-sustainable. What you are giving water is not of its own. It cannot change on its own. Correct? Very important question he raised. Very, very important. Let me finish, then you can ask. If something is self-sustainable, it can change itself to sustain itself. It is consciousness. Plants can sustain themselves. All this matter, water, earth, anything, any material, this material, it cannot sustain on its own. We have to maintain it either physically or in that case water consciousness. The scientist gave his consciousness power to the water. The water itself does not have the power to change itself or transform itself. And that's why man is the master of nature. Nature, which is the matter part, we give our energy to it. And that's why you see the tree, the water, anything. We give our power to it. We give positive power, they become positive. We give negative power, they become negative. But as conscious beings, we have the choice to transform. You give me negative power, I can still sustain myself and remain positive because I am a conscious being. Okay, so can we wind up? Because...